नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इस वक्त मैं एकदम बेसिक खाना की रेसिपी शूट कर रही हूँ। आज की रेसिपी है खिचड़ी। खिचड़ी एकदम बेसिक खाना में ही आता है और खिचड़ी तो हर कोई पसंद करता है। जब आप थके हारे रहते हैं, खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो आपके माइंड में पहला चीज़ ये आता है, खिचड़ी बनाना। खिचड़ी बना के खा लो, बहुत जल्दी क्विक बन भी जाता है खिचड़ी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। वैसे खिचड़ी बहुत प्रकार के बनाए जाते हैं, बहुत तरह तरह की खिचड़ी बनाई जा सकती है, बनाई जाती है। तो मैं, जैसे कि पता है बेसिक खिचड़ी कैसे बनाते हैं, वो बिगिनर लोगों के लिए जो शुरू कर रहे हैं खाना, कुकिंग सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए एकदम सादा सिंपल खिचड़ी बनाने की रेसिपी आज शूट कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। चलो हम खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कप से ही मेजर किया है, कप से ही बता रही हूँ ताकि आपको एकदम एग्जैक्ट अच्छे से आप समझ पाए और अंदाज मिल पाए। तो यहाँ पे आधा कप मैंने ले लिया है जैस्मिन राइस। जैस्मिन राइस से बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है। आपको अगर में मिल पाए जैस्मिन राइस ही अपने खिचड़ी में यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा खिचड़ी बनता है। ये थोड़ा मोटा भी होता है और काफ़ी इसमें ये माड़ जैसा होता है, काफ़ी मात्रा में इसमें होता है। उसके साथ खिचड़ी बनाओ ना जैस्मिन राइस से, तो बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है। अगर मैं आपके पास जैस्मिन राइस ना हो तो नए चावल की खिचड़ी काफ़ी अच्छी बनती है, उसको आप ले सकते हो खिचड़ी में। और नहीं तो आप रेगुलर राइस जो आप राइस जो बनाते हो भात, वो भी राइस आप यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे 1/3 कप मैंने लिया है अरहर का दाल। अरहर के दाल की खिचड़ी हम बना रहे हैं, तूर दाल जिसको बोलते हैं। हमारा मेजरमेंट यही है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैंने राइस और दाल राइस की रेसिपी मैंने ये डाला है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है। हमें कभी भी जब हम दाल और राइस वगैरह ऐसे कुछ चीज़ धो वॉश करते हैं ना, तो हमें इस तरह के बारी जो होते हैं ना, टोप का, तपेली का, किसी भी बर्तन का, उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ना धोने के लिए, तो आप बहुत ईजिली उसको धो पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका दाल राइस नीचे पानी में बह नहीं जाएगा, इसको धो लेना है अच्छे से, 4 से 5 पानी से धो लेना है। तो अगर मैं आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप इस तरह से कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने राइस को अपने धो लिया, दाल राइस को। अब हम कुकर में डाल देंगे क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं खिचड़ी। तो इस तरह से डाल के अब इसमें हम पानी भी कप से ही डालेंगे, इस तरह से डाल दिया। अब इसमें हम पानी कप से माप के डालेंगे। 5 कप पानी मैंने पूरा इसमें डाला है। हम देख, इसमें ना खिचड़ी कोई कोई बहुत सूखा पसंद करता है, कोई कोई थोड़ा सा लिक्विडी खिचड़ी पसंद करता है, थोड़ा सा गीला टाइप का हो, थोड़ा सॉफ्ट हो, नरम हो। तो मैं यहाँ पे ना ज़्यादा सूखा बना रही हूँ, ना ज़्यादा गीला बना रही हूँ, एकदम परफेक्ट 5 कप पानी इतने में मैंने डाला है। एकदम परफेक्ट हमारी खिचड़ी बनकर निकलेगी, तब मैं दिखाऊंगी वो कैसा होगा। अब इसमें हमें मसाला डालना है। मसाले में सिर्फ हम इसमें 1/3 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे और स्पाइसी के लिए थोड़ा सा 1/4 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे बस, क्योंकि हम एकदम सादा सिंपल खिचड़ी बना रहे हैं, तो और मसाला हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ हल्दी और मिर्चा और नमक, बस इतना ही हमें इसमें डालना है। अगर मैं आप चाहें तो इसमें आप एक टमाटर काट के डाल सकते हैं, आप अचार का मसाला डाल सकते हैं, और इसमें हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, जब हम दाल बनाते हैं ना तो कुकर, आधा कुकर पानी होना चाहिए दाल में, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो दाल जब सीटी लगती है तो पूरा ऊपर तक आने लगता है। मैंने यहाँ आधे कुकर से ज़्यादा मैंने पानी इसमें डाला है, वो इसलिए कि मुझे सीटी नहीं लगानी है इस खिचड़ी में। एक
एक सीटी जब एकदम आने आने को हो जाए ना कि बस अब आने ही वाली है, तुरंत हम गैस के आँच को बंद कर देंगे तो हम सीटी इसमें पूरा लगने नहीं देंगे। तो इसलिए थोड़ा पानी इसमें मैंने ज़्यादा रखा है कुकर में, हो सके तो आप बड़े कुकर का इस्तेमाल करें, पर मेरा अंदाज़ है मैं अच्छे से मैं इसमें मैनेज कर लेती हूँ, तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। कुकर को मैंने एकदम हाई फ्लेम पर ही रखा है। यहाँ पर हमारे कुकर में सीटी लगने वाली है, अंदर से इसके सब लिक्विड आने लगा है खिचड़ी का। तो जैसे सीटी लगने को होगा ना, वैसे हम हमारे आँच को बंद कर देंगे। अब हमें कुकर को ठंडा होने तक का वेट करना है, एकदम कम्प्लीटली अपने आप ठंडा हो जाए उसके बाद हम कुकर को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारा कुकर एकदम ठंडा हो गया है, इसको अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते कितना अच्छा हमारा खिचड़ी बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पे तड़का लगाने के लिए मैंने स्पून रख दिया है, और खिचड़ी में घी ही अच्छा लगता है, कोशिश ये करें इसमें घी ही यूज़ करें, तड़का लगाने में भी ऊपर से खाने में भी खिचड़ी में घी का ही इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो मैंने यहाँ 3 टीस्पून मैंने ले लिया है। घी हमारा गरम हो गया है, हम जीरा डाल देते हैं। एकदम सिंपल सा तड़का लगा रहे हैं, इसमें आप हींग और लहसुन ये सब चीज़ भी, लाल मिर्च ये सब भी चीज़ें डाल करके आप तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देना हमारा जीरा जो है काला ना होने पाए, इस तरह से ब्राउन ही हो जाए, सिर्फ चटक जाए जीरा हमारा, बस हमारा तड़का रेडी हो गया है। इसका ढक्कन जो है ना, इसको कवर करके और एकदम धीरे धीरे हमें तड़का लगाना है। अगर मैं एक साथ ही डाल देंगे ना तो आप जल जाएंगे, पूरा तड़का और खिचड़ी आपके ही ऊपर आ जाएगा। इस पे ध्यान देना, एकदम धीरे धीरे हमारा तड़का खिचड़ी में जाना चाहिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसी के साथ। और इस स्टेज पे ना आप नमक टेस्ट करके खिचड़ी में भी एडजस्ट कर सकते हैं नमक। अगर इस तरह से आपका थोड़ा सा गीला खिचड़ी रहेगा तो आप एकदम आराम से नमक टेस्ट करके इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा खिचड़ी बनकर रेडी हुआ है। और अब ऊपर से भी घी डालना बनता है, बिना घी का खिचड़ी बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, तो घी तो जाना ही चाहिए। जितना भी डाल दो आप घी, इस तरह से आप खिचड़ी को आप पापड़ और दही के साथ एकदम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है दही और खिचड़ी पापड़, और अचार, अचार भी ले सकते हैं इसके साथ। हमारी खिचड़ी एकदम बन के अच्छी सी एकदम सादा सिंपल रेडी हो गया है। बस यही है बेसिक खाना, बस पूरा खाना हमने तो बना लिया, दाल चावल रोटी सब्जी खिचड़ी चाय। बस अब आगे की रेसिपी अब जो जाएगी, अब तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, जितना मुझे समझ आया उतना मैंने उस तरह से शूट किया जिस तरह से हम घर पे रोज़ बनाते खाते हैं बेसिक खाना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। अगर मैं अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।